देखो हर वीडियो में तो मैं हाय बाय नहीं बोलूंगा, वो बोरिंग लगता है यार, मुझे भी पता है। बस तुम इस वीडियो में देखो कि मैं कैसे पहनता हूँ। बहुत सारे बंदे पहनूंगा, यही पे पहनूंगा और कुछ नहीं। इन निहत्तों को मार के जो मुझे सुकून मिला है ना, वो आज तक कभी नहीं मिला। लेकिन जो ये 3 निहत्ते मैंने मारे थे, मुझे ऐसा लगा कि मैंने 300 निहत्ते मार दिए। हर बार मैं ही निहत्ता मरता हूँ साला, आज मैंने इनको पहन दिया। और लास्ट वाला बंदा तो बाहर ही बैठा रह गया, और फिर मेरा तो एक ही काम है, डोरेमोन को चटपटा गोटा निकालो और मुँह पर फेंक मारो, फटे या ना फटे। लेकिन हालांकि वो फट गया, लेकिन साला उसका और एक फुट स्टेप आ रहा था मुझे पीछे से, वो इधर से अलग आ रहा है। ये फिनिश हो नहीं पाया यार, तो फिर मैं फटाफट अंदर आ जाता हूँ। और अभी देखो, चल साले तू मारेगा मेरे को अंधे। बाकी इन सब की लूट करके मैं इधर ही बैठा रहता हूँ, और जैसे ही मैं इधर बैठता हूँ मेरे सामने और दो बंदे आ जाते हैं। फिर आपको तो पता है मेरे नेट मिस वाले होने वाले है नहीं, पहले वाला फट जाता है लेकिन दूसरा वाला बहुत डैमेज हो जाता है यार। पता नहीं उसका जॉयस्टिक ग्लिच हो रहा था क्या हो रहा था, लेकिन मेरा भाई हार्ड है, उसको तभी भी मार देगा, है ना यार। लेकिन नेड के लिए ना एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बनता है। तुम लोग कमेंट किया करो ना, मेरे को गाली दिया करो, मेरे को कुछ भी बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन सालो कमेंट किया करो, कमेंट से मेरे को रीच मिलेगा, लाइक से रीच मिलेगा। सब्सक्राइब तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्री में होता है, मैं पैसे भी देने लगते हैं। किया करो भाई। बाकी यहाँ पे थोड़ा कट लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लंबा फाइट होने वाला है, ठीक है। एक हमारे सर ज़्यादा प्रो बन रहे थे, हमने उनको ज़्यादा ही प्रो बना दिया। मरो साड़ो, तुम मारोगे हमें। मैं तो किल चुराने में एक्सपर्ट हूँ आपको पता है, लेकिन चलो वहाँ पर मैं और एक नॉक कर देता हूँ और उधर और एक नॉक पड़ा रहता है। इधर पता नहीं चलता कितने किल चोरी होते हैं, कितने मारते हैं। तो एक तो सामने ही खड़ा है, उसको कैसे मारूँ वो कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तो ये प्योर 1v1 लेने आता है। अब देखो ये 1v1 लेगा मेरे से, हैं ये 1v1 लेगा मेरे को। इसको फिनिश करता हूँ, फिर सामने से और एक शॉट आता है, उसको भी फेल देता हूँ। और जो नॉक पड़े थे ना भाई, वो बस उसमें से एक ही नॉक मेरे को मिलते हैं, बाकी कपड़ा भी खास फिनिश हो जाता है। और हमारे यहीं पे 10 किल हो चुके हैं, आपको तो पता है मैं कितना प्रो हुआ है ना। ये इधर से एक बंदा आता है, लेकिन मेरे को पता नहीं इतना दूर से शॉट गन मार देता है दल्ला, इतना दूर से यार, इसी वजह से मेरा दिमाग ख़राब होता है। बाकी यार वो वाला मैच छोड़ो, अभी ये नया मैच आ गया। मैंने इस मैच में अटल फैसला कर लिया था कि मैं भी कैंपर बनूंगा, मैं भी कैंप करके सबको करूँगा, क्योंकि भाई ये गेम ही कैंपर वाला हो चुका है। मैं हर बार कैंपर से मर रहा था, तो मैं भी सोचा इधर ही खेलने के बैठे हैं। ये देखो ये पता नहीं भाई क्या सोच रहा था, एक सामने से भाग रहा है, लेकिन वो चला गया यार कवर में, उसका नसीब था। और ये इसको देखना, बस तुम इसको देखना जो आएगा ना लाल कपड़े वाला भाई, इसके साथ स्कैम हो गया बता। ये गाली दे रहा होगा मेरे को, फुल बुमबाम गाली दे रहा होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मैं बहुत ज़्यादा कैंपरों से पीट रहा हूँ, तो अभी देखो बस तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या होता है। मैं एक बंदा समझ के अंदर घुस जाता हूँ बस, देखा एक कैंपर भाई, मैंने बस एक सोच के अंदर घुसा था, लेकिन मेरा एम असिस्ट एम बॉट मतलब एम बॉट काम कर गया वहाँ पे, मेरे को बस फायर करने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। लेकिन एक कैंपर को देख के जो मेरी गांड फटी थी ना, मैं क्या बोलूँ, इतनी फट गई कि मैं सिलवा भी नहीं सकता। पता नहीं यार मेरा कपड़े इतने फेमस कैसे हो गए कि सब लोग पहन के खेलने लग गए, जैसे कि आप देखिए पता नहीं कौन सा फ्रॉक था, फ्रॉक पता है ना मेंढक यार, मैंने मेंढक को भी मार दिया। एक बंदा कब से मेरा वेट देखना, अभी बस यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे ये अलग बंदा है, इस पर नेट मॉली मारूंगा लेकिन ये फटेगा नहीं, ठीक है। देख लो अभी बस मैंने इस पर नेट मॉली सब कर दिया, लेकिन अब वो सीन आता है जो मेरे को हार्ट अटैक दिलाने वाला था। अभी देखना बस भाई, ये जो निकाल के जो मेरी फाड़ता है ना, मैं क्या बोलूँ भाई इसको, अगर मैं ये यहाँ पे मुझे मार देता ना, मैं भाई खुदकुशी कर लेता इसका नाम पे केस लगा के। और पता नहीं ये क्या आ गया था मेरे मुंह के सामने, फिर उसके बाद और आ गया था, इधर और कैंपर बैठा रहता है, इसकी तो बूंद जला के रहूँगा मैं। साले पास जल के पास DBS है, इसलिए मैं अंदा नहीं पुश करता हूँ, इस पर मौली से जला देता हूँ। मौली भी पता नहीं आजकल ज़्यादा लग जा रही है, मौली गॉड भी बन रहा हूँ मैं धीरे धीरे।
फिर साला इधर है ना कोई तो भी लेटा था, पता नहीं उसको घर में जगह नहीं दे या कुछ नहीं दिया, उसकी घिसटने की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कुछ तो घिसे जा रहा था वो घर घर खस खस। तो मैं एक आपको तो पता है मेरा डोरेमोन का चटपटा गोटा लो हो गया का, और घिसो घिस घिस के साले ऐसे ही मर जाओगे तुम, मरो पहले मरो। मुझे इन बंदों ने जो भगाया है, जो भगा भगा के मुझे इतना परेशान किया है, मेरा तो इन बंदों पे पूरा दिमाग खराब हो गया था। इस कैंपर का देखो मिले को, इसको पता है मैं यहाँ पे हूँ, नेड किए जा रहा है, लेकिन नहीं हमको अभी भी नेड करना है सारा कैंपर। भाई ये कैंपर वाला गेम हो चुका है भाई, बस अब यहाँ देखना क्या होता है। देखा ये गेम खत्म है, ये नो फूड बैठा था साला दल्ला, अब मैं क्या करूँ बताओ। इसलिए ना यार मेरा खेलने का अभी मूड नहीं हो रहा है, और रात के 3 बज रहे और मेरे आंखों में बहुत सारी नींद है। मैं वहाँ जाके लेने वाला था रिवेंज, लेकिन साला वो इवेंट अलग रहता है, ये इवेंट अलग रहता है। तो अभी छोड़ो यार, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, बाकी बस इतना ही क्लच हुआ है और इतने ही फेल हुए, इतने किल हुए मेरे से और इतना ही खेला गया। बाकी मिलते किसी और न्यू वीडियो में, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। लास्ट में भी ग्लिच ही हो रहा था मेरे साथ, क्या ही बोलूँ मैं।